Why wait for the moment to pass? I want it to start now, start now. I want this feeling to last. Keep it alive now, right now. It's been too long. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिश शॉपी स्टोर। सो आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। ये है मेरा मॉन्स्टर टैंक 5 फीट का, जैसे कि आप सबको पता ही है। बट आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले इस टैंक का प्रीवियस लुक। इसमें आप गाइस देख सकते हो कि हमारी जो फिशेस है वो एकदम हेल्दी कंडीशन में एकदम टैंक में स्विम कर रही है। एंड टॉप पे जो हमारी फिश है वो है अरवाना, जिसका नाम है जोया, आप सबको ही पता होगा। एंड इसके साथ में हमारी एक दूसरी अरवाना थी जो हमने कुरला फिश मार्केट से परचेज की हुई थी, बट वो और ये हमारी जो बड़ी अरवाना है ये दोनों एक साथ में नहीं रह रहे थे, इसलिए मैंने उस अरवाना को मेरे फ्रेंड के दे दिया है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। वो वीडियो भी आपको कुछ टाइम के बाद आएगा। एंड देन अभी का ये टैंक में देखा जाए तो हमारा टैंक पूरा एम्प्टी कर दिया है, क्योंकि अरवाना ये बड़ी हो चुकी है। तो पहले के जो हमारा टैंक का लुक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, कि इसमें आप देख सकते हो कि हमारे इस टैंक में एक वुड रखा हुआ है, प्लस बॉटम के साइड में हमने पूरा ब्लैक सैंड रखा हुआ है, एंड देन उसमें कुछ रॉक्स भी है। इसके वजह से हम इस टैंक को एम्प्टी करेंगे, बट कुछ टाइम के बाद। ये जो वीडियो गाइस आपके सामने चल रहा है, ये वीडियो बहुत टाइम पहले का नहीं बोल सकते, लेकिन ऑफकोर्स एक से डेढ़ महीने पहले का वीडियो है, जब हमारी दोनों अरवाना को हमने इस टैंक में छोड़ा हुआ था। एंड उसके साथ हमारी थी चिकलेट वराइटी की जैगुआर फिशेस। एंड गाइस ये है प्रीवियस टैंक का लुक, जो आप देख सकते हो कि पूरा टैंक हमारा एम्प्टी है। यानी इस टैंक में हमने सिर्फ रखा हुआ है दो स्पंज। एंड हमारी जो रेडटेल कैटफिश है गाइस, देख सकते हो गाइस, ये हमारी रेडटेल कैटफिश जो काफ़ी अभी 6 इंचेस में बड़ी हो चुकी है। एंड हमने कुछ फिशेस इसमें ऐड भी किए हुए हैं, जिससे कि हमारी जो रेडटेल कैटफिश है वो ज़्यादा हाइडिंग प्लेस में ना रहे, वो भी थोड़ा स्विम करे, इसके लिए हमने कुछ फिशेस ऐड किए हुए। इसके अंदर हमने जो हमारी फिशेस ऐड किए हुए वो है हमारे चिकलेट वैरायटी के फिश, जो जैगुआर फिशेस है। अभी भी फिलहाल इनकी साइज़ देखा जाए तो गाइस 2 इंचेस प्लस एंड 2.5 इंचेस के हो चुके हैं। एंड इसको हमने डाला हुआ है 4 फिशेस हमारे टैंक में, ये फर्स्ट एंड सेकंड, देन देखा जाए थर्ड एक यहाँ पर है एक स्पंज के पास, एंड फोर्थ वन हमारा जो फिश है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। आप देख सकते हो ये हमने 4 फिशेस ऐड किए हुए इस टैंक में। एंड हमारे पास जो फिश थी बाकी के फिश वो है डॉलर फिश, आप इनकी भी साइज़ देख सकते हो कि अप्रॉस ये डॉलर फिश हमारी 3 इंचेस की हो चुकी है कम्प्लीटली। एंड इस फिश को भी हमारे इस टैंक में रिलीज़ करके ऑलमोस्ट हमारे 2 से 2.5 महीना हो चुका है हमारे टैंक में है। एंड इसकी साइज़ जो थी छोटी जब हमने लाया हुआ था कुरला फिश मार्केट से, अराउंड 1 इंचेस की थी, अभी देखा जाए तो 3 इंचेस में हो चुके। एंड हमारी जो अरवाना की साइज़ है गाइज ये अप्रोस 10 इंचेस प्लस हो चुकी है, अप्रोस देखा जाए तो 15 से 20 दिन, अफकोर्स 1 मंथ में हमारी जो ये जोया है, ये जोया का साइज़ अप्रोस 1 फीट हो जाएगा, उसका भी अपडेट आपको आते रहेगा। ये अपडेट आने के लिए आपको गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस अभी का जो वीडियो है ये बहुत टाइम के बाद में शूट आउट कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा कैमरे का एंड क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था, एंड देन मैं थोड़ा बाहर भी गया था आउट ऑफ, उसकी वजह से मैंने मेरी फिशेस को टाइम नहीं दिया। एंड 1 मंथ के बाद में प्रीवियस फिर से आ चुका हूँ हमारी इस चैनल को लेकर, बहुत दिन के बाद इस चैनल पर वीडियो हुआ है, तो छोटा सा वीडियो बनाया हुआ गाइस 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि आप सबको पता लगे कि चैनल अभी बंद नहीं हुआ है, कोई वीडियो आती रहेगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फिशेस में बात की जाए तो गाइस हमारे पास जो फिशेस है वो सारी हेल्दी कंडीशन में। एंड देन फीड देखा जाए तो हमने पैलेट फिश फीड डाला हुआ है हमारे डॉलर फिश को, क्योंकि इसको हम श्रिम्प ही नहीं दे रहे जो हमारी अरवाना खाती है, उसके लिए हम पैलेट देते हैं हमारे डॉलर को, इसलिए देते गाइस क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम श्रिम्प पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम हमारी फ़िश को देंगे जो डॉलर फिश है, तो वो सडनली कुछ दिन या कुछ महीने तक वो फीड करेगी, लेकिन हमारी जो अरवाना का है जो जोया हमारी फिश है इसका फिन है वो निप करना चालू करेगी जब लाइट बंद हो जाएगा। ये ऑफकोर्स मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं डॉलर फिश को कभी भी श्रिम्प ही नहीं देता हूँ, ओनली फॉर पैलेट देता हूँ। जो ऑप्टिमम का पैलेट है वो भी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपडेटिंग आपको आती रहेगी गाइज। तो आज का जो वीडियो है गाइज वो सिर्फ यहीं तक है, एंड इस टैंक में और सारे हम
न्यू फिशेस ऐड करने वाले, एज अ मॉन्स्टर फिशेस ऐड करने वाले। कुछ फिशेस हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड कुछ फिशेस ऐड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।